जहाँ 38 पार्टियों का मेला है, आज भी कुछ अंधभक्त बोलते हैं मेरा बाप अकेला है। यूपी ने तुमको लात मारने का काम किया, अब की बार लूली लंगड़ी की सरकार। जब ऐसे नायडू जो और निकेल जी दोनों जन नाक में नकेल डाल के खींच रहे हैं ना, तो उनकी सरकार और खटारा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और जहाँ एक इंजन ने धुआं फेंक दिया, मोदी जी क्लीन चिट बोल देंगे। मोदी जी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं उनका, एक निकम्मा रेलवे मिनिस्टर। हर तीसरे दिन रेलवे दुर्घटना हो रही है, आज भी झारखंड में पटरी से जो पलट गई ट्रेन। बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट करके नाम कमा रहे हैं, मणिपुर को लगातार जला रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पहलवान बहन बेटियों को पिटवा रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं विश्व में। इससे ज्यादा नाम और क्या करेंगे कमा करके। नमस्कार, मैं शरण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और ये दिल्ली का जंतर मंतर जगह है और यहाँ पे जानते हैं यहाँ के प्रोटेस्ट का स्थल है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो यहाँ पे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये तस्वीर में कैमरा मैन से चाहूँगा कि वो दिखाए जिस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अवैध गिरफ्तारी है मोदी सरकार द्वारा जेल में, उनके स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे खिलवाड़ को बंद करें। और इस तरह से मतलब उनकी जो सेहत है उसको लेकर जो मोदी सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप लोग की यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की तानाशाही जो बढ़ गई है उसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दिया था, हेमंत सोरेन जी को बंद कर दिया था, अब अरविंद केजरीवाल जी का शुगर बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, कौन जवाब देगा इसका? इनका तो एक और सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दिया उसके बाद ये बीच में टांग लड़ा रहे हैं, इनको जाने नहीं देंगे, उनका नाम कलंकित करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कलंकित करूंगा तो मैं दिल्ली में सीट पा जाऊंगा। लेकिन मोदी जी भरम से दूर रहिए, दिल्ली की जनता जान चुकी है। जिस तरह से आप उस बार भी लात मार के खदेड़ी थी विधानसभा में, आप जो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिस वो जेल में है वो जेल अधिकारी, तो उनको स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पे आप लोगों को ज्ञापन देना चाहिए था, जब आप मिलने जाना चाहिए था वहाँ पे, जो जेल अधिकारी वो तो ध्यान देगा ना। यही कह रहे हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, ईडी भी तुम्हारा है, सीबीआई भी तुम्हारा है, जब सब कुछ साहब का है तो आदमी जाएगा तो जाए कहाँ। दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर आप लोग राजनीति के लिए ये चेहरा चमका रहे हैं। मोदी जी का अब जान गए हैं जनता, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए वो टांग लड़ा रहे हैं। मोदी जी को जनता जान गई है, इसीलिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। तीसरी बार जो दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की, वो 7-7 बीजेपी सरकार जीत चुकी है। वही तो विधानसभा में जीत के दिखाए, अब की बार लूली लंगड़ी की सरकार। जब ऐसे नायडू जो और निकेल जी दोनों जन नाक में नकेल डाल के खींच रहे हैं ना, तो उनकी सरकार और खटारा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और जहाँ एक इंजन ने धुआं फेंक दिया, मोदी जी क्लीन चिट बोल देंगे। इंडिया गठबंधन में तो तमाम घटक दल हैं, तो भी वो सरकार नहीं बना पाए। जहाँ 38 पार्टियों का मेला है, आज भी कुछ अंधभक्त बोलते हैं मेरा बाप अकेला है, तो 38 पार्टी लेकर चल रहे हैं, हमारे में तो 26 पार्टी है और बता रहे कि 293 सीट आई है। अरे कुछ भी तो करो, लेकिन हम तो तुमको रोकने का काम किया, यूपी ने तुमको लात मारने का काम किया, जो तुम संविधान बदलने का काम कर रहे थे उसको हमने बचाने का काम किया। महंगाई पर यही सरकार सुनने का काम नहीं करती थी, आज यही सरकार सुनने का काम कर रही है विपक्ष में संसद में बैठ के। उत्तर प्रदेश में योगी जी का डंका बजता है, आपको पता नहीं है? डंका इतना बजता है कि उनका कुर्सी खतरे में है, उनको पूछा भी नहीं जा रहा है, नमस्कार हालचाल भी नहीं पूछा जा रहा है। चलिए और लोगों को जानते हैं, तो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हो चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो और भी लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो यहाँ पर साफ साफ दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो जेल में है उनको सेहत के लेकर
जो भाजपा सरकार है उनको खिलवाड़ कर रही है, तमाम ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और भी लोग हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से जो आप लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में हैं उनके सेहत को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स ने, चाहे वो संजय सिंह जी हों, आतिशी जी हों, सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जेल से जो रिपोर्ट है जो डेली बेसिस पर मॉनिटर होता है वो दिखाया कि किस तरीके से जो लगातार शुगर जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप समझते हैं कि जब शुगर लेवल किसी भी पेशेंट को बढ़ता है तो तमाम सारी गंभीर बीमारियां होने की जो है संभावनाएं होती हैं, उनमें से कोमा है, हार्ट अटैक भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो रिपोर्ट जो आ रही है जेल से वो दिखा रहे हैं हम लोग, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है वो हम पीसी करके दिखा रहे हैं। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, भाजपा कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम तो पत्रकारों के सामने बाकायदा पीसी। ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता जो है वो बेहाल हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरा मुख्यमंत्री दिल्ली को जरूर दे देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता काफ़ी परेशान ना हो। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल जो है डिसएग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र के तौर पर फंसाया गया। आप देखिए कि जब केजरीवाल जी को ईडी ने जमानत दे दी तो निकलने ही वाले थे तो सीबीआई पहुंच गई, और जमानत पर स्टे, अंतरिम जमानत पर स्टे, ये कब होता है? ये तो कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशन पर, उनके नेतृत्व में, उनकी दूरगामी सोच ने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री पिछले 10 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया देने का काम किया, अच्छे स्कूल बनवाए, ऐसे स्कूल मैं बता रहा हूँ आपको प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं है जहाँ से बच्चे पढ़ के नीट जैसी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएँ पास कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। उसके बाद हम अस्पतालों की बात करते हैं, ये जो सारा अच्छा काम किया, मोहल्ला क्लिनिक दिए, जिसमें मैं उस अच्छे काम में एक आपका अच्छा और काम दिखा रहा हूँ। जिस तरह से जल को लेकर दिल्ली की जनता काफ़ी परेशान थी, आम आदमी की पार्टी जो नेता थे, काय आतिशी जी हों जो जल मंत्री हैं, वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त थी, उसका समाधान नहीं निकाल पा रही थी। मैं उसका जवाब दूंगा। जब जल की कमी के लिए आतिशी जी ने जो अनशन किया उसकी वजह थी, आज से 30 साल पहले जो एक पैक्ट हुआ था उसमें हरियाणा दिल्ली को जो पानी देता था, आज वही वॉल्यूम 30 साल बाद दे रहा है और वो भी पूरा नहीं दे रहा। तो आप बताइए दिल्ली की जनसंख्या 30 साल में कितने गुना बढ़ गई है। तो पानी का जो वॉल्यूम था वो बढ़ना चाहिए था पहली बात, और जब दिल्ली को पानी की ज़रूरत नहीं थी, आप याद कीजिए हथनी बैराज को उन्होंने खोल दिया था, दिल्ली को डुबो दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, दिल्ली वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ज़रूरत नहीं थी डुबो दिया, जब ज़रूरत अपने हक का पानी मांग रहे हैं तब जो है ये हमें अनशन करने पर मजबूर करते हैं, फिर भी पानी नहीं देते। और अभी की बात आपको बता दूं, दिल्ली में जो इस बरसात में हुआ, आपने देखा किस तरीके से सौरभ भारद्वाज जी ने एक मीटिंग की थी दिल्ली के अधिकारियों के साथ, जिसमें दिल्ली के मेयर भी थी, दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर भी थे, एक महीने पहले कहा था कि बारिश होने वाली है, आप लोग जो है डीसिल्टिंग का काम कीजिए, जो नाले बंद पड़े उनको ब्लॉकेज को हटाइए ताकि कल को कोई हादसा ना हो। वो वीडियो सबके बाद वायरल हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने, अब अधिकारियों को चुनता कौन है, उनका रखवाला कौन है? एमसीडी जो कमिश्नर हैं वो रिपोर्ट करते हैं एलजी साहब को, एलजी साहब रिपोर्ट करते हैं सेंटर, सेंटर में कौन बैठा है? तो कुल मिला के भाजपा ने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे तो कभी भी दिल्ली की जनता भाजपा को भाग। आप चर्चा कर रहे हैं कि जो ओल्ड नगर में राजेंद्र नगर में जो यूपीएससी के 3 बच्चे हताहत हुए हैं, उनकी जान चली गई है, जिसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप नहीं, आप कह रहे हैं लेकिन मुद्दा को भटका रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की कहीं ना कमी है। नहीं, आप सुनिए, उदाहरण के तौर पे अगर एमसीडी दिल्ली सरकार में आती है, मैं मना नहीं कर रहा, मेयर हमारा है, लेकिन मेयर क्या करता है? मेयर खुद जाकर के नाले साफ तो नहीं करेगा, मेयर अधिकारियों को आदेश देता है, अधिकारियों को पालन करना होता है। आपने देखा दिल्ली में, आपको याद हो दिल्ली में दिल्ली सर्विसेज बिल पास कराया गया, इसका मतलब आप समझते हैं कि हम हैं नहीं लेकिन हम टांग अड़ाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग काम पसंद आदमी और अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं। तो जब काम नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों को गलत फहमी में डाला जाएगा, काम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल्ली के लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे, और जो वहाँ जो हादसा हुआ है वो दुखद है और भाजपा को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी का मंत्री गली गली घूम करके ये कहता है कि ये काम होना चाहिए, वो पत्र लिखता है एलजी साहब को भाई अपने एमसीडी के कमिश्नर से
से आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, एमसीडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, आप कह रहे हैं कि भाजपा को आरोप लेना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप जिस तरह से आप बताइए, दिल्ली के मंत्री कर्मचारी के जो बॉस को यानी कि एमसीडी कमिश्नर को आदेश देंगे या तमाम अधिकारी उनको आदेश देंगे ये काम कराइए, और अगर एक नाला साफ करवाने के लिए आप मोदी जी के आदेश को मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी का आदेश नहीं, एमसीडी का कमिश्नर जब मीटिंग में, आप जिस तरह से आप हमको बता रहे हैं एमसीडी आपके अंतर्गत आता है और एक नाला सब करवाने के लिए, अगर जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली सरकार को ना रिपोर्ट करके या एमसीडी के बॉस एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो एलजी साहब को रिपोर्ट करके उनके साथ बैठ के अगर उस षड्यंत्र में शामिल होते हैं तो वो क्यों काम करेंगे? वो नहीं काम करेंगे तो यही होगा कि जनता को भ्रमित करेंगे, लेकिन जनता भ्रमित नहीं है। मोदी जी का जो काम है वो पूरा देश देख रहा है। हाँ, पूरा। और मोदी जी इसलिए विश्व में नाम कमा रहे हैं और देश में भी नाम कमा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल भी संभाल रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल कहा, मोदी जी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, उनका एक निकम्मा रेलवे मिनिस्टर, हर तीसरे दिन रेलवे दुर्घटना हो रही है, आज भी झारखंड में पटरी से जो पलट गई ट्रेन, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट करके नाम कमा रहे हैं, मणिपुर को लगातार जला रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पहलवान बहन बेटियों को पिटवा रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं विश्व में, इससे ज़्यादा नाम और क्या करेंगे कमा करके। तो चलिए, यहाँ पे तमाम मुद्दों पर बात हुई, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए देश की जनता का, तो देश की जनता का असली निवारण और देश की जनता का असली सुनकार सुनने वाला कौन आएगा, इस देश की जनता का समस्या का समाधान कौन करेगा? राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त हैं और गली चक्की चौराहे पे सिर्फ एक दूसरे पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सही वो गलत, लेकिन इस देश की जनता जिस तरह से पिस रही है उसका आखिर जिम्मेवारी कौन लेगा? इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।